गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे पत्र। वैसे तो पत्र आपने यूट्यूब वन में भी किए थे कि किस प्रकार से आपको अपने एग्ज़ाम में पत्र को अटैम्प करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है पत्र। तो इसके लिए केवल आपकी रिवीजन के लिए पत्र समझना है आपको, किस प्रकार से कोई भी पत्र आता है आपके सामने आपको उसको कैसे लिखना है। अगर आता है औपचारिक पत्र तो कैसे लिखना है, और अगर आता है अनौपचारिक पत्र तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहन लिया एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो आप मुख्यतः अपने मित्र को, जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्र को, इनको लिखते हैं। ठीक है, हम अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनको लिखते हैं, सगे संबंधी जो भी होते हैं उन्हें लिखा जाता है। सगे संबंधी हो गए, मित्र हो गए, ठीक है, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको लिखते हैं जो पत्र हम, वो हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। वे हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिख रहे होते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं या मित्र को। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए बोला गया है, देखिए एक उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत है वो है अनौपचारिक पत्र का। परीक्षा से पूर्व अस्वस्थ होने पर मित्रों की सहायता का उल्लेख करते हुए, इस प्रकार से परीक्षा से पहले आप अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और आपके मित्रों ने आपकी सहायता की है, उसका उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखा गया है। तो पिताजी को जो पत्र लिखा गया उसको देखिए, पिताजी को पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको पत्र में लिखा गया है इंदिरा गांधी छात्रावास। कोई भी जो भी मतलब अगर बच्चा कहीं बाहर रह रहा तभी अपने माता पिता को पत्र लिखेगा, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं घूमने गए हैं वहाँ से लिख रहे हो, या फिर आप रहने के लिए अपने चाचा जी के घर गए हो तब आप कोई पत्र लिख रहे हो। तो जहाँ पे भी आप हो उस समय आप वहाँ का उसमें एड्रेस डालोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अगर किसी हॉस्टल में रह रहे हो वहाँ से आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो कि एग्जाम से पहले आपकी तबीयत खराब हो गई है, परीक्षा से पूर्व अस्वस्थ हो गए हो और मित्र ने आपकी सहायता की है, तो कैसी कैसी आपकी किस प्रकार से सहायता की है उसका उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को आप पत्र लिखना है आपको। ठीक है, पिताजी को पत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा, देखिए लिखा हुआ है इंदिरा गांधी छात्रावास, उस छात्रावास का नाम है, उस हॉस्टल का नाम है इंदिरा गांधी छात्रावास, दिल्ली, दिनांक, डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आता है आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। क्या कहा जा रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आप जानते हैं कि मैं परीक्षा से 10 दिन पहले तक कक्षा में अनुपस्थित थी। देखिए, परीक्षा से 10 दिन पहले तक उनकी जो बेटी है वो क्या थी, कक्षा में अनुपस्थित थी। इस कारण मेरी परीक्षा में अच्छे अंक ला पाना, आप जानते हैं कि परीक्षा से 10 दिन पहले तक मैं कक्षा में अनुपस्थित थी, इस कारण मेरा परीक्षा में अच्छे अंक ला पाना मुश्किल था। ठीक है, परंतु मेरे मित्रों की सहायता से मेरा सारा काम पूरा हो चुका है तथा अब मैं परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे आशा है कि इस बार भी मैं अच्छे अंकों से पास हो सकूंगी। ठीक है, वो कह रही मुझे आशा है कि मैं इस बार भी अच्छे अंकों से पास हो सकूंगी। माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, आपकी प्यारी बेटी शिवानी। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी आपका ऐसे अनौपचारिक पत्र आएगा सबसे पहले आप वहां का पता लिखोगे, जो भी होगा उस जगह का आपका पास पता, आप पता लिखोगे सबसे पहले, तो कहाँ पे आप हो, कहाँ से पत्र लिख रहे हो। तो जहां से आप पत्र लिख रहे होगे उसका पता आपका मेंशन होगा। सबसे पहले पता लिखने के पश्चात आप उसके बाद लिखोगे जगह कहाँ के, वो दिल्ली है, दिल्ली के बाहर है, पहले जगह का नाम, फिर वो जगह कहाँ पर है, दिल्ली में है, और फिर किस दिन आप पत्र लिख रहे हो वो दिनांक आप उसमें लिखोगे। दिनांक आपको जरूर लिखनी है, बिना दिनांक के आपका पत्र सही नहीं होगा। तो ये भी आपका, ये आपका फर्स्ट हो गया पॉइंट। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया दिनांक।
फर्स्ट हो गया आपका पता, जो भी लिखोगे दिनांक ये हो गया, उसके बाद आपकी दिनांक आती है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप जो संबोधित करते हो, संबोधन करना है, संबोधित कर रहे हो आप, संबोधित किस तरीके से कर रहे हो, आदरणीय पिताजी या आदरणीय चाचा जी, या फिर आप अपने मित्र को कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप अपने मित्र को वहां लिख रहे होते हो सब प्रेम नमस्ते, या फिर ठीक है जो भी आपको सब प्रेम नमस्ते कहना है, या प्रिय मित्र, तो इस प्रकार से संबोधित करना है। यहाँ आप अपने पिताजी को लिख रहे हो, तो आपने लिखा है यहाँ पे आदरणीय पिताजी। उसके बाद सादर प्रणाम, उसको उनको संबोधित करने के बाद, उनका संबोधन जो भी है, जब संबोधित कर रहे हो, संबोधन करना अभिवादन करना है, आपने यहाँ पे संबोधन कर दिया, पिताजी हैं आपके, तो आदरणीय आदर के साथ सम्मान के साथ पिताजी को आप बोल रहे हो सादर प्रणाम, आप उनका भी यहाँ पे अभिवादन कर रहे हो। फिर यहाँ शुरू करोगे यहाँ से, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, या मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहां पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपको पूरी लिखनी है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, आशा करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। इसके पश्चात आप अपनी जो भी आपकी बात है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जैसे आप जानते हैं कि 10 दिन पहले तक मेरी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी 10 दिन पहले तक, और इस कक्षा में अनुपस्थित होने के कारण मेरा कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाया था, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे अपने पत्र के अंतर्गत, ठीक है। उसके पश्चात आप कह रहे हो, जब ये पूरा हो गया आपका, इसको पूरा होने के पश्चात आप लिखोगे माँ को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। तो माँ को मेरा सादर प्रणाम, माँ को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा तथा छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, आपकी प्यारी बेटी शिवानी। तो आपके छोटे भाई को कह रहे हो, छोटे भाई को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते कहना है, छोटा भाई जो भी हो उसको स आदर के साथ, माँ को मेरा, माँ को सादर प्रणाम कहना है, छोटे भाई को आप प्यार बोलोगे, छोटे भाई को हम कोई भी नमस्कार नहीं कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अपने किसी बड़े के बारे में उनका अभिवादन कर रहे हो, संबोधन कर रहे हो, सबसे पहले आदरणीय या सादर या साद, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सादर प्रणाम, ऐसे ही यहाँ पे सादर प्रणाम यानी कि आदर के साथ, माँ को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा तथा छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, आपकी प्यारी बेटी शिवानी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये पत्र आपका लिखा है, ये पत्र आपने देखा है। अगला एक पत्र और मैं आपको बता रही हूँ, पर आशा करती हूँ आप सभी को ये याद रहेगा। सबसे पहले आप अपना नंबर 1 पे आप वहाँ पे अपना पता लिखेंगे, तत्पश्चात आप दूसरे नंबर पे दिनांक लिखोगे, तीसरे नंबर पे आपका संबोधन जाएगा जो संबोधित कर रहे हो आप उनको, फिर चौथे नंबर पे आपका अभिवादन, इस प्रकार से आपने अभिवादन किया है उनका, सादर प्रणाम अभिवादन कर रहे हो आप, और अंत में आप जो भी हो, आप उनकी प्यारी बेटी हो या आप उनके मित्र हो, ठीक है, फिर आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। पांचवें नंबर पे आपके जो भी पूरा कंटेंट रहेगा, जो भी आपने लिखा है पत्र, पत्र के जो जिसके लिए पत्र लिख रहे हो, जिस बारे में पत्र है, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। उसके पश्चात अंत में आप अपना नाम लिखोगे, आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा पुत्र या आपका पुत्र या आपकी पुत्री, और फिर आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी, जैसे कि चलिए यहाँ पे लेते हैं हम ये, अपने छोटे भाई को मन लगाकर अध्ययन करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। छोटा भाई है, छोटे भाई हमारे, हमें पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने माता पिता की होते हैं उतने ही बड़े भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बन जाते हैं, और माता पिता भी आपसे उम्मीद करने रखते हैं कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को थोड़ा सा पढ़ने पर आप भी उनके साथ समय बिताएं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है छोटे, अपने छोटे भाई को या फिर छोटी बहन जो भी हो, उसको मन लगाकर अध्ययन यानी कि पढ़ने की सलाह देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो आपका जो पत्र रहेगा लिखा है 28E विकासपुरी नई दिल्ली दिनांक, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा एड्रेस, जो भी आप लिख रहे हो उसका पता आपको मेंशन करना है, आपके यहाँ पता होना चाहिए जो भी आपने पता लिख रहे हो आप। पता लिखने के पश्चात आप दूसरे नंबर पर वही आपका आएगा
ये दिनांक आएगा, पहले नंबर पे आपका पता हो गया, दूसरे नंबर पे आपके दिनांक, तीसरे नंबर पे आप जो लिख रहे हो संबोधन करोगे, ठीक है, प्रिय मित्र, या जैसे इन्होंने आप लिख दिया है प्रिय गौरव या प्रिय मित्र, आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, आप अपने मित्र का नाम लिख रहे हो तो मित्र का नाम लिखिए, प्रिय गौरव या प्रिय मित्र स स्नेह आशीर्वाद, तो प्रिय गौरव नाम लिखा उन्होंने, स स्नेह आशीर्वाद, स्नेह के साथ आशीर्वाद, स स्नेह आशीर्वाद, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कह रहे हैं, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है, पूछ रहे हैं, ठीक है, स स्नेह आशीर्वाद, स्नेह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, अपने छोटे भाई को आप, या मित्र को लिख रहे हो तो मित्र का नाम लिखते हो प्रिय, लेकिन यहाँ पे अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो आप उनको बोल रहे हो क्योंकि छोटा भाई है आपका, इसलिए आप उसको आशीर्वाद देते हुए संबोधित कर रहे हो, ठीक है, प्रिय गौरव स स्नेह यानी कि प्रेम के साथ, स्नेह के साथ आशीर्वाद, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है, घर में सभी चिंतित हैं, गौरव हम सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं, क्या कह रहे हैं, हम सबको तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं और पूर्ण विश्वास है कि, और पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पर खरे उतरोगे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पूर्ण विश्वास भी है कि तुम उस पर खरे उतरोगे, तुम्हें तो घर के हालात पता ही है, ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पर खरे उतरोगे, तुम्हें तो घर के हालात पता है, फिर भी पिताजी तुम्हारी पढ़ाई से संबंधित कोई कमी नहीं होने देते, इसलिए मैं बड़ी बहन होने के नाते यही कहूंगी कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, क्या कह रही है, बड़ी बहन होने के नाते, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले तो उन्होंने पूछा कि बहुत दिन हो गए घर में सब चिंतित हैं, तुम्हारा पत्र नहीं आया, हम सबको तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारी इन सभी आशाओं पर खरे उतरोगे, जैसे कि घर में बड़े बोलते हैं हमसे, फिर भी पिताजी, मतलब घर के हालात तुम जानते हो, फिर भी पिताजी तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देते हैं, इसलिए मैं बड़ी बहन होने के नाते यही कहूंगी कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है, खूब बड़ी बहन होने के नाते यही कहूंगी कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, और ये सभी आपको भी करना है, सभी बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे हम सभी का नाम तो होगा ही, तुम्हारा जीवन सवर जाएगा, जिससे हमारा तो नाम होगा ही होगा परंतु तुम्हारा जीवन भी जो है वो सवर जाएगा, अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगाना, क्या कह रहे हैं, अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगाना क्योंकि समय निकल जाने, कह रही है कि जो अपना ध्यान है, क्योंकि सलाह देंगे बड़े भाई बहन है तो पढ़ाई में लगाना अपना ध्यान, क्योंकि समय निकल जाने पर कुछ हाथ नहीं आता, जब समय निकल जाता है तो कुछ भी हाथ में नहीं रहता है, इसीलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर परिश्रम करो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, रखकर परिश्रम करो, घर में सभी आपको याद करते हैं, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है, घर में सभी आपको याद करते हैं, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तुम्हारी दीदी प्रिया। तो जो भी आप देखो यहाँ पे अपने कंटेंट लिख दिया, सबसे पहले आपका पता आ गया, दूसरे नंबर पे आपकी दिनांक आएगी, तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे संबोधित करोगे, ठीक है, और फिर अभिवादन कर रहे हो, तत्पश्चात आप अपने जो जिस बारे में आपका पत्र है आप वो पत्र लिखोगे, पत्र लिखने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, जब अभी पत्र लिखोगे, पत्र लिखने के पश्चात अंत में आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे कि क्या है, तुम्हारी दीदी या तुम्हारा मित्र या तो आपकी पुत्री, आपका पुत्र या आपका जो भी बच्चे अपने गुरु के जो जिसे, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी अपने गुरु को लिख रहे हैं, अपने अध्यापक को लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे आपका शिष्य, ठीक है,
तो जो भी होगा उसको लिखने के पश्चात अपना यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे नाम लिखा गया है रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को ये अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने हैं, और जो एग्जाम्पल्स में दे रखी हूँ और भी अपनी बुक में, आप उसको रिवाइज करोगे। तो देखिए, आपके अभ्यास कार्य के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। तो उस पत्र को लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए जरा। बिजली की नियमित आपूर्ति ना मिलने पर अपने नगर के विद्युत केंद्र को शिकायती पत्र लिखिए, ये आपका आ गया औपचारिक पत्र, ठीक है। अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वे किताबी कीड़ा ना बनकर अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया करे। अपने मित्र को पत्र लिखना, ये आपने पहले भी किया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला करिए। दादाजी को शहरी जीवन में प्रदूषण, शहरी जीवन में प्रदूषण का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप दादाजी को पत्र लिख रहे हो शहरी जीवन में प्रदूषण। तो देखिए, मान लीजिए आपके दादाजी गांव में रहते हैं और आप जो उनको पत्र लिख रहे हो, आप लिख रहे हो किसी, आप शहर में आप रह रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो शहर में आके, तो आप वहां से अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो, तो आप वहां का एड्रेस लिखोगे, सबसे पहले आप पता लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पता जाएगा कि पता जो भी होगा, पता आप पता मेंशन करोगे। पता लिखने के पश्चात आपका आएगा जो भी पता लिखा है आपने, पता कहाँ है वो। अगर आपने जयपुर का एड्रेस डाला है तो आप वहां जयपुर लिखोगे, दिल्ली नहीं लिखोगे, इसे ध्यान से आप एड्रेस लिखना। एड्रेस आप अपने घर का कोई भी डाल सकते हो। तत्पश्चात आप दिल्ली, दिल्ली दिल्ली लिखोगे। दिल्ली लिखने के पश्चात आप दिनांक लिखोगे, जो भी दिनांक रहेगी जिस दिनांक पे आप पत्र लिख रहे हो। और ध्यान रखिएगा, आप जब एग्जाम में लिख रहे हो तो दिनांक उसी के आसपास होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो एक साल पहले की आप दिनांक लिख रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। पता, दिनांक, उसके बाद आप लिखोगे संबोधन करोगे, जैसे दादाजी को आप कर रहे हो, तो संबोधन आदरणीय दादाजी, ठीक है। तो आप जब उनको लिख रहे हो तो आप वो लिखोगे आदरणीय दादाजी, और तत्पश्चात सादर प्रणाम, तो आप उनको प्रणाम करोगे, ठीक है, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। तो इस प्रकार जब आप लिखोगे पता, दिनांक, संबोधन और सादर प्रणाम, तो ये आपको नंबरिंग याद रखनी है अपनी, कौन कौन सी आपके पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद फिर आपका कंटेंट चलेगा, वो कंटेंट लिखने के तत्पश्चात आप अंत में आपका जो भी आप पुत्र लिखोगे या आप आपका पोत्र लिखोगे, ठीक है, तो आप वहां लिखोगे आपका पोत्र या आपका पोता, फिर आप अपना नाम लिखिए, आपकी पोती, ठीक है, पोत्री भी लिख सकते हो, पोत्र पोत्री, ठीक है, पोता पोती, ठीक है, पोत्र पोत्री, और उसके तत्पश्चात आप नीचे अपना नाम लिखोगे, ठीक है बेटा। दादाजी को शहरी जीवन में प्रदूषण का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। और एक बार फिर बता रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे मेरे से बहुत बार पूछा जाता है बार बार कि मैम हमारी बुक में तो ये वाला है ही नहीं, तो मैं फिर आपको बोल रही हूँ, मैंने आपके लिए पर्टिकुलर आपकी एक बुक से आपके लिए नहीं होगा, मुझे अगर ये कंटेंट सेवन्थ की क्लास से अच्छा लगेगा तो मैं सेवन्थ की क्लास से आपको वो लिख दूंगी, मुझे एट्थ क्लास से अच्छा लगेगा मैं एट्थ क्लास से व्याकरण का वो टॉपिक करवा दूंगी, सिक्स की से अच्छा तो सिक्स से करवा दूंगी, या किसी अदर बुक से मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए वो एडिशनल बुक, मैंने बहुत सारे आपके लिए पॉइंट्स डाले हैं उस बुक के लिए, तो मैं उस बुक से करा दूंगी। तो बेटा आपको केवल लिखना है और मुझे लिख के दिखाना है, इसलिए मैंने अनसीन वाले उठाए हैं ताकि आप इसको प्लीज आप चीटिंग ना कर सको। तो स्वास्थ्य का, जैसे यहाँ पे लिखा है शहरी जीवन में प्रदूषण, तो किस प्रकार से जो प्रदूषण फैल रहा है शहर में, आप उसके बारे में वर्णन करोगे और अपने दादाजी को इसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ बताते हुए थोड़ा सा स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान रखने के लिए उन्हें कहिएगा, क्योंकि जो हम पत्र लिख रहे होते हैं तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। और फिर एक बात बोलूं बेटा, बुक से लिखा हुआ मुझे अलग से पता चल जाएगा, इसलिए कोई भी बच्चा चीटिंग करने की कोशिश मत करना, नेट से लिख के अगर आप मुझे लिख के दिखा दोगे मेरी तरफ से जीरो मार्क्स जाएंगे, चाहे आप एग्जाम में लिखो चाहे आप नोटबुक से करके दिखा दो।
अगर आप नोटबुक में खुद की लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हो पत्र, इसका मतलब आपको पत्र लिखना नहीं आता है, तो आप मेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा इस चीज़ की कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स लग जाएंगे। एग्ज़ाम में भी अगर मुझे पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स ने लिखा है वो पत्र, आप किसी की हेल्प लेके लिख रहे हो उस समय पे एग्ज़ाम के समय पे, या फिर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार से तो आप लिख रहे हो, तो आप ये मत सोचिएगा आप मुझे धोखा दे रहे हो, एक्चुअल में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि स्टडी हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो आपको खुद को अपने ऊपर इतना आप में बिलीव होना चाहिए, आपको स्वयं के अंदर आपके अंदर एक क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको स्वयं पे विश्वास होना चाहिए, आप खुद के लिए ऑनेस्ट ईमानदार होने चाहिए आप अपने लिए कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा या करूँगी जिससे मेरी एजुकेशन को, मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे कभी शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसा एग्जाम में हुआ है, एक बच्चे ने पत्र मुझे लिखा है लेकिन हैंड राइटिंग किसी और बच्चे की थी। तो बेटा ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें मत कीजिए, ऐसा करने से आप लोगों को, जो अगर आप मुझे करके दिखा रहे हो, उससे आपके शायद उस समय मार्क्स लग भी जाएं, लेकिन मेरी नज़रों में वो बच्चा उस समय के लिए तो बिल्कुल भी मेरी तरफ से वो चीज़ सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से उस बच्चे को शायद अभी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका साफ साफ अर्थ यही है कि उस बच्चे ने पहले पढ़ाई नहीं की है। तो ऐसा मत कीजिए, तैयारी कीजिए। आपको काउंसलिंग इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप खुद से बनाना सीखें, सॉल्व करना सीखिए। आपने दादाजी को शहरी जीवन में प्रदूषण का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है, बुक से चीटिंग नहीं करनी है, नेट का यूज़ नहीं करना है। और प्लीज़ हाँ, आप अपने से बड़ों की हेल्प ले सकते हो कि अगर हमें ऐसा पत्र लिखना हो तो हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बट पहले खुद से सोचिए। जितना आप खुद से सोचोगे वो आपके लिए अच्छा होगा बेटा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा और 100% दे सको। ओके, धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि आप व्याकरण एक से ज़्यादा बुक आप प्रेफर कर रहे हो ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है? व्याकरण बेटा कोई भी जो टॉपिक कर रहे होते हो व्याकरण के, किसी एक बुक से मत कीजिए, उसके लिए आप अदर एक्स्ट्रा बुक भी यूज़ कीजिए और उनको करिए। अभी चलिए आश्चर्य पत्र आपका रिवाइज हो गया है, अगर मुझे लगेगी इसके लिए और ज़रूरत, मैं आपका और भी आपके लिए पत्र और नए नए कोई भी पत्र मुझे जो लगेंगे मैं आपको वो ऐड ऑन करा दूंगी। और एग्ज़ाम में आपका ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई आपका मिले आपको पत्र, एग्ज़ाम में आपके लिए पत्र कोई नया भी टॉपिक हो सकता है, इसलिए आप अपनी रिविज़न अच्छी रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा, खुद से लिखना सीखिए और करके दिखाइए। क्योंकि जिस दिन मैं आपसे अभी रिविज़न के टाइम पे ऑन द स्पॉट आपसे मांगूंगी लिखवाने के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उस समय जिस बच्चे का मेरे पास लिखा हुआ आएगा सिर्फ उसके मार्क्स ही मैं अपने UT2 में लगाऊंगी क्योंकि मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है और कौन बच्चा केवल चीटिंग कर रहा है। अगर आप चीटिंग कर रहे होंगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे पत्र, और आपके पत्र की हैंड राइटिंग, आपके पत्र लिखने का जो तरीका होगा, जो माध्यम है, किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, या फिर आपको जो लिखने का तरीका है, वे ऑफ राइटिंग, वो बहुत कुछ मुझे शो कर देगा, ठीक है? तो खुद के लिए ईमानदार बनिए बेटा और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।